अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मसरूर इब्राहिम और आप देख रहे हैं फेस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, मुर्गी की कीमत 450 रुपये किलो हो चुकी है। आवाम से बात करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज मुर्गियों के रेट आपने इतने बढ़ा दिए हैं, इसकी क्या वजह है? यार, इसकी वजह जो है वजह पीछे है। पीछे देखो, पीछे। ठीक है जी। मतलब ये है कि जो दुकानदार लेके आते हैं जी। ये तो हमें पता नहीं है कि उधर उसको 350 के मिल रहा है, जितने के भी मिल रहा है, लेकिन वो 430 450 इस तरह का बेच रहा है। ठीक है, तो अभी पता नहीं ये कसूर किसका है, कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, किस तरह चला रहा है। तो आप मुझे ये बताएं, हुक्मरान जो हैं वो इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं लेते? यार, वो तो हम नहीं कह सकते कि वो नोटिस क्यों नहीं ले, लेकिन वो अकेला बंदा है, इतना तो हम जान गए हैं कि इमरान खान बिल्कुल अकेला है। वो अकेला पन के क्या करेगा, किस तरह संभालेगा? मैं कल्ला ही काफी, मैं कल्ला ही काफी। ठीक है, वो तो बिल्कुल अकेला है। आप मुझे बताएं, मुर्गियों के रेट आज 450 रुपये किलो हो चुका है, इसकी क्या वजह है? वजह तो ये है कि ऊपर हुकूमत ने इमरान खान साहब की कोई गलती नहीं है इस बात में, गलती है आप माने अपने आवाम की, क्योंकि जब चीज़ ऊपर से सस्ती हो जाती है तो इधर आवाम खुद महंगा कर देते हैं। अगर इमरान खान की गलती नहीं है तो फिर क्या, यह नवाज शरीफ की गलती है? इसमें कहीं की गलती नहीं है किसी की, क्योंकि इमरान खान ने 3 महीने पहले जब पेट्रोल सस्ता कर दिया तो पंपों वाले ने साले अपने पंप बंद कर दिया। जब भी कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई रक्शे वाला या गाड़ी वाला ज़्यादा जाता, उसने मना कर देता कि यार लॉकडाउन की वजह से हमारी पंप बंद है और हमारे गवर्नमेंट ने बंद किया है, किसी को पेट्रोल नहीं देना। सलाम सर, मुर्गी 450 रुपये किलो हो चुकी है, आप मुर्गी खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। तो 450 रुपये किलो हो चुकी है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम इस बारे में यही कहेंगे, जो इमरान खान है ना, उसने इतनी महंगाई कर दी है तो अभी हम मुर्गी क्या, हम दाल भी नहीं खा सकते। अभी तो आपने कहा मुर्गी खाते हैं। मुर्गी खाते हैं तो 450 रुपये किलो थी, अभी नहीं खा सकते, अभी तो दाल खा रहे हैं। तो पहले मुर्गी खाते थे, अभी क्या करें, मजबूरी है। जो कटे का गोश्त है वो 560 रुपये किलो है। और आप अब नवाज शरीफ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम नवाज शरीफ का तो जिंदाबाद है और इमरान खान मुर्दाबाद है। और बिलावल भुट्टो को क्या पैगाम देंगे? हम बिलावल भुट्टो का भी नारे लगाएंगे इंशाल्लाह, वो हमारा भाई है। चलो शुक्रिया जी। जी मुर्गी के रेट 450 रुपये किलो हो चुका है, इसकी क्या वजह है? जी मुर्गी 450 रुपये किलो है, इसकी क्या वजह है? इससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे पहले कौन सी वो है, हर चीज़ तो ऐसी है, महंगाई है, और महंगाई के मुताबिक मुर्गी तो फिर सही खड़ी है। मुर्गी सही है 450 रुपये किलो? 400 सही नहीं है मुर्गी, इसी साल पिछले साल में 160 रुपये 150 रुपये किलो थी, अब ये तो 450 रुपये किलो है। गरीब कहाँ जाए, गरीब तो खा भी नहीं सकता मुर्गी। फिर आप मुर्गी खाते हैं या नहीं खाते? नहीं नहीं इंशाल्लाह। फिर क्या खाते हैं? सब्जियाँ वगैरह ये वो। चलो सही है जी, शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि मुर्गी 450 रुपये किलो है, हाँ जी, तो आप मुर्गी को खाते हैं? नहीं जी, बहुत दिन हो गए नहीं ले सके मुर्गी। तो क्यों नहीं ली? इतनी महंगी है, लेने की हैसियत ही नहीं है। तो किसने महंगी की हुई है? ये तो इंतज़ामिया देख सकते हैं कि क्या इसके बारे में कह सकते हैं। तो इसका कसूरवार कौन है? इसके कसूरवार बहुत सारे हो सकते हैं, एक बंदा तो बताए ना, कौन है, नाम लें। सुनने में तो यही आया कि मुर्गी को जो कंट्रोल है वो ये शहबाज शरीफ करता है। अच्छा, उसके बारे में ही बहुत सुना है कि उसके रेट वगैरह वो भले अंदर है वहीं बैठ के कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कसूर है? जी बिल्कुल उन्हीं का कसूर, इमरान खान का कोई हाथ नहीं है इसमें। इमरान खान का भी है कि वो अगर सख्त हाथ रखे तो ये पकड़े जाएँ और थोड़ा बहुत रिलीफ मिले आवाम को भी। चलें जी, शुक्रिया आपका।